शिक्षक साथियों नमस्कार। नव भारत साक्षर परीक्षा जो हुई है उसकी हमें अंकों की एंट्री किस प्रकार से करनी है आइए जानते हैं। जो आपको NILP MP नाम से ऐप से दिख रहा है इसको पहले हमें डाउनलोड करना है और लॉगिन करना है। तो हम प्ले स्टोर में जाएंगे, उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम अपनी यूनिक ID और अपनी जो भी पासवर्ड है, किसी का जन्मतिथि या किसी ने अपना पासवर्ड फॉरगेट किया है बदला है तो वह उसका पासवर्ड रहेगा, उससे हम लॉगिन कर लेंगे। जब लॉगिन कर लेंगे उसके बाद हमें इस प्रकार से 8 ऑप्शन दिखाई देंगी। तो अब जानते हैं किस प्रकार से हमें मार्क एंट्री करना है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट रहेंगी। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आइए जानते हैं हम कि हमें मार्क एंट्री किस प्रकार से करनी है। आपको जो परीक्षा परिणाम दर्ज करने वाला ऑप्शन दिख रहा है उसको हम टच करेंगे। जैसे ही हमने उसको सिलेक्ट किया, टच किया, इस प्रकार से हमारे लिए आपको समग्र ID दर्ज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप समग्र ID रखें, जितना भी आपका लक्ष्य था, जितने भी आपके परीक्षार्थी थे उनकी समग्र ID और उनकी मार्क एंट्री अपने पास रखें, उनकी समग्र ID आपको इसमें दर्ज करनी है। समग्र ID दर्ज करेंगे उनका पूरा डाटा आपके पास ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसमें समग्र ID उसको दर्ज करेंगे, दर्ज पर हमने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया उसकी हमारे पास सारा डाटा उपलब्ध हो चुका, उसका ID, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, उसके बाद उसका आधार कार्ड भी, संपूर्ण जानकारी इसमें उपलब्ध उसकी हो जाएगी। उसके बाद साला का नाम और आपका जो एरिया में आपका पिन कोड नंबर लगता है वो समस्त जानकारी इसमें आ जाएंगी। इस जानकारी आपको भरी रहेगी, आपको कुछ भी नहीं भरना है, केवल आप सीधे पढ़ना वाले अंकों की यहाँ पर प्रविष्टि करेंगे, लिखना और अंक गणित की हम यहाँ पर 22/9/2024 को जो परीक्षा हुई है उसकी एंट्री करेंगे। तो पढ़ना में जैसे उसको 29 अंक मिले हैं, लेखन में उसको 28 और अंक में जितने भी अंक मिले हैं जैसे 25, और इसको हमने सीधा दर्ज कर देना है। दर्ज करें पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी एंट्री यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगी, यानी कि हमारी मार्क एंट्री हो चुकी है, अंकों की प्रविष्टि सफलतापूर्वक दर्ज हो चुकी है। बस इतना सा ही काम है और हमें जल्दी से जल्दी अपनी अंक प्रविष्टि कर देना है और नेक्स्ट के लिए हम फिर से परिणाम दर्ज करने पर क्लिक करेंगे, दूसरा हम समग्र ID डालेंगे और हम अपनी अन्य एंट्रियाँ यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। और इसके लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।